एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रही है जी बहुत ही यमी रेसिपी, और वो है आलू कढ़ाई। बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। जी तो मैंने यहाँ पे 1 kg लिए हैं जी बेबी पोटैटोज, छोटे साइज में जो पोटैटोज होते हैं मैंने उन्हें पील ऑफ कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, हम उनके अंदर कर लेंगे इस तरह से कुछ पोर्स। तमाम पोटैटोज में कहीं कहीं हम इस तरह से पोर्स कर लेंगे जी। तो तमाम पोटैटोज में पोर्स जो हैं वो हो गए, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इसमें 1/2 teaspoon सॉल्ट जो है वो लगा दूंगी और 1/2 teaspoon ही रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी और 1/4 teaspoon इसमें मैं हल्दी ऐड कर दूंगी और इनको कर लूंगी बहुत अच्छा सा मिक्स और 10 से 15 मिनट मैं इनको रख दूंगी जी। जब तक हमारे आलू जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं उतनी देर तक मैं आपसे स्पाइसेस शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ यहाँ पे 1 teaspoon लिया है सॉल्ट, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon काली मिर्च, 3 teaspoon मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, 1.5 teaspoon मैंने यहाँ पे सूखा धनिया लिया है जिसे मैंने दोरी में कूटा है, और 1.5 teaspoon यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। ये तमाम मसाला जात मैं क्या करूँगी, 1/2 cup मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया है उसमें ऐड कर दूंगी और योगर्ट को पहले मैं इस तरह से फेंक लूंगी जी। तो योगर्ट में हम ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे जी। तो अभी हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे जी। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और आलू हमारे रेडी हो गए हैं, तो हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने 1/4 cup ऑयल ले लिया है और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दूंगी और इसको हम करेंगे फ्राई जी। तो बहुत अच्छा सा जो है वो हमारा अदरक और लहसुन फ्राई हो चुका है, इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जी पोटैटोस और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई जी। तो हम अपने आलू को मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे फ्राई जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए जी। 3 से 4 मिनट मैंने इनकी की है भुनाई और आप देख सकते हैं कि पोटैटो जो है अपना कलर चेंज कर चुके हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टमाटरों की मैंने बनाई है टमाटो प्यूरी और ये मैं इसमें डाल दूँगी और अब हम इसके साथ इनकी करेंगे भुनाई। आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिफरेंट है, आप इस तरीके से अगर आलू कढ़ाई बनाएंगे तो आप देखिएगा कि किस कदर यमी बनेगी। अब तेज आंच पे मैं टमाटोज के साथ इसको करूंगी फ्राई। तो ये देखें जी, टमाटरों के साथ मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको भून रही हूँ और अब मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढांप रही हूँ ताकि आलू भी गल जाएं और टमाटो जो है उनका पानी भी सूख जाए जी। तो आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है, आलू भी बहुत अच्छे से गलने की तरफ जा चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसमें डालेंगे वो योगर्ट जिसमें हमने तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 मिनट तेज़ आंच पे इसकी मज़ीद करूँगी भुनाई। बहुत ही डिफरेंट किस्म की ये कढ़ाई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें जी। तो 1 मिनट मज़ीद इसकी हो गई है भुनाई। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट वाला मसाला जो हमने बनाया था, 1/2 cup योगर्ट था हमारे पास और उसमें मैंने तमाम स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर दिए थे जी। तो अब हम इसको करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। ये चिकन कढ़ाई को भी पीछे करने वाली है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके गेस्ट जब आएंगे आप इसको बनाएंगे और अपने गेस्ट को भी ये खिलाएंगे। चलें जी। तो साथ ही इसमें मैं योगर्ट वाली जो कटोरी है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर रही हूँ और अभी हम इसको ढांक देंगे 3 से 4 मिनट और इसको हम पकाएंगे जब तक के ऑयल ऊपर ना आ जाए जी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑयल जो है वो आ चुका है, योगर्ट मसाला ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी थोड़ी सी मसल के ताकि बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए और साथ ही इसमें मैं डालूंगी जी
धनिया और कुछ हरी मिर्चें, और अब इसको मैं हल्का सा कर दूंगी स्टर, और 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको ढांक के रख दूंगी और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। जी, तो अभी मैंने कुछ जूलियन अदरक जो है वो काटा हुआ है वो डाल दूंगी, और हमारी आलू कढ़ाई जो है वो हो गई है रेडी। जी, तो हमारी आलू कढ़ाई रेडी हो गई है, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्पाइसी और मज़े की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।